एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो अभी रैंडमली हमारा प्लान बना है कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया, कहीं घूमने चलते हैं, जबकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 11 बज चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है और मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरे तरीके से। मेरी फ्रेंड घर से निकल चुकी है, अभी मुझे मिलेगी, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएंगे, नज़दीक ही जा पाएंगे बिकॉज आधा दिन तो निकल चुका है। देखते हैं कहाँ जाते हैं और साथ साथ मैं ब्लॉग शूट करूँगी। पहले मन नहीं था बट फिर लगा कि नहीं, जिस भी जगह पर जाऊँ तो साथ में उस जगह का ब्लॉग शूट करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि मैं किस प्लेस में घूमने जा रही हूँ और ख़ुद भी इन्जॉय करूँगी बिकॉज प्रिपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं लोकेशन पर पहुँच के। हमारा प्लान ग्रीमदास मंदिर का बना था। बैक साइड पे ये मंदिर है, माथा हमने टेक लिया है और बोटिंग भी करते हैं यहाँ पे। ये रही बोट, ये अभी दूसरी साइड पे जाएगी और फिर से वापस इस साइड आ जाएगी। आप देख सकते हो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। जिस टाइम बरसात का मौसम आता है तो ये सारा ढक जाता है पानी से। इवन मंदिर में जो लिखी हुई आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी ढक जाती हैं पानी से। बहुत ही प्यारा व्यू है पानी के कारण भी। ये गोविंद सागर झील है और ग्रीनरी के कारण, पानी के कारण बहुत अच्छा व्यू है। जो भी ऊना से होंगे या फिर पंजाब में नंगल से होंगे आसपास से, वो तो यहाँ आए ही होंगे। दूर वालों का पता नहीं, जब भी आप यहाँ कहीं से गुजरो, मीन्स नंगल वाली साइड पे जा रहे हो या फिर ऊना आए हो, तो यहाँ पे रायपुर मैदान ज़रूर आना, गरीबदास मंदिर। ओके, दूर से लग रहा था कि एक ही बोट है बट यहाँ पे एक और है और इसके साथ एक छोटी सी नाव है। आई थिंक वो चप्पू के साथ चलती होगी, नॉट श्योर, दूर से इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा। और सभी लोग बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कुछ वहाँ पे हैं, कुछ इस साइड बैठे हुए हैं, कुछ और होंगे। ये जो पहाड़ी सी दिख रही है, इसके निचली साइड चट्टान सी दिखाई दे रही है। सो ये था छोटा सा व्लॉग, बोलने लायक तो कुछ था नहीं मेरा। मैं जितना था बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ, तो माथा टेकने टाइम भी मैंने इतना कुछ बोल तो नहीं पाई, बोली ही नहीं। वहाँ की मैंने वैसे क्लिप्स ले ली हैं, वो सारा कुछ ऐड करके या तो इससे पहले, मेरे बोलने से पहले आप देख चुके होंगे या फिर इसके बाद देखोगे। और अभी जो भी छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊँगी वो सारा ऐड कर दूँगी साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ का ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। Thank you so much for watching this video.